सेशन वेशन नहीं हो रहा, यही होएगा, बजाते रहो। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब वही लोग हैं जो पहले मेरा कोई ना कोई लाइव सेशन अटेंड कर चुके हैं, राइट? यस नो? सारे ट्रेंड है, मतलब किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको सब पता है कब क्या करना है। हाँ, क्या हो गया? पोयम लिखी है, थोड़ी देर बात करें। हाँ, प्लीज हैव अ सीट। आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइज कि आप लोगों ने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया, उसके अलावा और भी वीडियोस देखी होंगी। अगर किसी की लाइफ में कोई एक्चुअल में मेजर चेंज आया है, प्रैक्टिकली कुछ मेजर चेंज आया और वो दिल से अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो अपना हाथ ऊपर करेंगे और माइक लेकर के शेयर करेंगे। आपने पहले भी एक सेशन में कुछ बोला था, सर, वो आपका जो था ना उसमें आप यूट्यूब से पैसे क्यों खाते हो? आप यूट्यूब से पैसे क्यों खाता हूँ मैं? मेरा ऐसा कौन सा सेशन आया? सर क्यों नहीं खाते? सर क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाता हूँ? समझ पा रहा हूँ, ठीक है, बोलो, आप माइक पास रख के बोलो। सर एक क्लास थी, दो घंटे की क्लास थी, उसमें मैम पढ़ा रही थी, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो वो बोली आ रही थी, कुछ समझ तो आ नहीं रहा था मुझे। मैं जैसे मेरे सेशन में होता है, हाँ, ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं आता। हाँ, सर हाँ, तो हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनकी क्लास में, मतलब किसी क्लास में नहीं आता, लेकिन उनके में कुछ और समझ आया था कि जैसे मैं पीछे बैठा हुआ था, तो क्या आपकी वीडियो याद आई थी कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तो मैं उस टाइम घर चला गया, मतलब क्लास ओवर होने के बाद, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ना वो करनी है, सिंगिंग करनी है मेरे को, मतलब पहले से शौक था लेकिन अब उसको पैशन मतलब बनाना है अपना। तो मैंने फिर अपना क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन किया, मतलब बॉलीवुड क्लासिकल दोनों है वो, तो वो ज्वाइन कर रखा है मैंने। मतलब कब से कर रहे हो ये, कितना टाइम हो गया? अभी 6 मंथ्स हुए हैं मुझे। सुनाना जरा ये। सर अभी हार्ट बीट तेज़ हो रही है मेरी, तो हार्ट बीट से गाने गा दो, क्या लड़खड़ाते हुए गा दो। मतलब पहले के टाइम में ऐसे गाने आते थे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई गा दो किसी के बाप का कर्जा दे माइक। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, तुझसे हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। Let's give a big hand for him. आप इसे कर दो, अच्छा गाते हो यार। Please have a seat. Hello sir. Good morning. Good morning. सर पहले बात तो मैं ये अपनी फीलिंग्स आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ में कितने मायने रखते हो। सर मेरे पेरेंट्स हैं जिनको मैं, मतलब हर कोई अपने पेरेंट्स को बहुत करता है, उसके बाद शायद क्या मैं दिल से बोलना चाहती कि सर आप आते मेरी प्रायोरिटी में। और मैं ना बहुत डिप्रेशन में रहती थी, मतलब मैं बहुत ओवर थिंकिंग पर्सन हूँ, मेरे को कंट्रोल नहीं अपने थॉट्स पर, बट जब से मैंने आपकी वीडियो सुनना स्टार्ट किया ना सर, कंट्रोल आया मेरे थॉट्स में कहीं ना कहीं। और सर आप बोलते हो ना कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, मैं भी चाहती थी कि मैं ना ऐसे चिल्लाओ सर मेरा, प्लीज़ मेरे को बोलने दो सर, मुझे प्लीज़ बोलने दो। तो चिल्लाओ ना, मतलब अब तो खैर बोल लिया आप, क्या, लेकिन बोल के खुशी महसूस हो रही है अंदर से, मतलब ऐसे एक्सप्रेस करो, कैसे करोगे, मतलब अगर उसको एक्सप्रेस करो डांस करके, क्योंकि मैं डांस करो सर पक्का, हां हां स्टेप करना पड़ेगा मेरे साथ, नहीं मैं कुछ नहीं, प्लीज़ आपको करना पड़ेगा, कंट्रोल लो सर, एक स्टेप ये करने से हो जाएगा, मतलब हाँ सर आओ आओ आओ, देखते हैं पहले आपका स्टेप देखते हैं, तो मुझे मतलब पता नहीं क्या कर जाओ आप, कहीं नागिन डांस करना पड़ जाए मेरे को, देखना पड़ेगा क्या क्या कर रहे हो आप, करो मैं फिर देखता हूँ, अगर हो सका तो मैं ज़रूर करूँगा। मतलब मुझे भी करना है, शादी हो रही है, ओ पल्लव सेशन नहीं हो रहा, यही होएगा, बजाते रहो।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट प्लीज प्लीज. तो अब कौन है जो बोलना चाहता है? हाँ बोलिए सर. मुझे ये कहना है कि जब मैं सर छोटा था, यही कोई 13 से 14 साल का सर, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति सर बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तो मैं जब मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि मुझे साथ में उनकी कुछ हेल्प करनी चाहिए. तो फिर मैंने काम सीखना, एक शॉप पर जाकर काम सीखना शुरू किया. 2 से 3 साल में मैं काम सीख गया इलेक्ट्रॉनिक्स का सर. तो उसके बाद सर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मतलब मेरी मम्मा को हमारा घर भी बेचना पड़ा. और जब सर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरी फैमिली में ही कुछ मेंबर्स ऐसे थे, उन्होंने बोला तुम्हारे 3 बेटे हैं तो ऐसा करो, अगर वो मरता है तो मरने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरी मम्मा ने ये बोला कि मेरा ये जो बेटा है ना, ये 1 या 2 घर ले लेगा अगर वो जीता है. तो मेरी मम्मा ने घर बेच दिया और मुझे ठीक करा लिया. और सर फिर हम लोग दिल्ली आ गए. और सर मैं आपके, मैंने जब वीडियोज़ देखे तो उसमें आपने बोला हर काम में 100% देना चाहिए. तो सर एक घर तो मैं ले चुका हूँ ट्रॉन का सिटी में सर, जो मेरे खुद के पैसों का है. और एक घर सर हमने अभी 1 साल पहले लिया दयालपुर में सर. तो मेरी लाइफ में सर आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं सर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट प्लीज. बहुत तो बेसिकली आई लव टेनिस सिंस 4th स्टैंडर्ड. और मैं एक स्पोर्ट्स स्कूल बोर्डिंग स्कूल में थी, सो आई प्लेड टेनिस टिल 11th स्टैंडर्ड. उसके बाद मैं पेरेंट्स वर लाइक कि तेरी पढ़ाई भी सही है तो तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर. उसके बाद आई क्लियर 12th विद अ गुड परसेंटेज. उसके बाद आई वॉन्टेड टू गो फॉर सी ए, बट बार बार मेरे दिल में ये था कि टेनिस नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है. सो जब से आप बोलते हो कि कोई भी चीज़ आसान है, तो आई हैव बीन प्लेइंग नेशनल्स और मैं कॉलेज भी कर रही हूँ और मैं सी ए भी कर रही हूँ. क्लियर CPT, अब इंटर का Group 1 है. सो इट्स लाइक सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है. इट्स जस्ट आई एम बिट ऑफ फोकस नाउ. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. जब आपको गोल्ड मिल जाएगा तो हम कबूल तो नहीं जाओगे ना? हमारा नाम लोगे का वहाँ पे? जब आप उस रैंप पे होगे और आपको गोल्ड मिल रहा होगा, आप कहोगे कि हाँ इस बंदे ने कुछ कहा था, मैं अरे मेरी लाइफ बन गई. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. जब मैं लास्ट सेशन में आई थी तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे उन चैलेंजेस से फाइट करी और किस तरीके से अपनी लाइफ को आसान बनाया. और आज की डेट में जब से मैं उस सेशन से गई हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को, जो मैंने मेरा टाइम टेबल था उसे मैंने सेट किया है. और जब भी आपकी कोई वीडियो देखती हूँ तो अंदर से एक आग निकलती है कि हाँ तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है. और यहाँ जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, मैंने अपनी लाइफ में एक लाइन सुनी थी, उन सभी को बताना चाहती हूँ, कभी भी लाइफ में कोई फेलियर आए तो उस लाइन को ज़रूर याद रखना. तू जमी पैदा कर, तू आसमां पैदा कर, तू जमी पैदा कर, तू आसमां पैदा कर, तुझे रचना है एक नया इतिहास, तू अपने अंदर एक आग, एक विश्वास पैदा कर. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. आप तो ये बोलने का भी काम कर सकते हो, राइट? मतलब ये मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये वो, एज अ सेल्स ट्रेनर किया है. आग लगा दो पूरी दुनिया में. सर ये सब आपकी बदौलत हुआ है, क्योंकि बीच में इतना कॉन्फिडेंस लो हो चुका था कि जैसे मैं रिटेल लाइन में हूँ, तो अगर प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना है तो इतना कॉन्फिडेंस फेस पे आता नहीं था कि हाँ, एक तो फेस भी ठीक ठाक नहीं है, तो लगता था कि अरे क्या बात है. बताओ भाई, वोटिंग करते हैं कितने तो, कहते हैं लड़के मतलब अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है भाई. छिछोरो मैं सीरियसली कुछ पूछ रहा हूँ. ओ सर बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. से आपसे मिली हूँ तो हाँ है कि बंदे के अंदर दम है, उसने कुछ करके दिखाया, तुम भी कुछ करो. एक बार यहाँ पे आना, जरा कुछ बोलना, मोटिवेट करो इन खच्चरों. रोंगटे खड़े हो जाए यहाँ से, घुस ये सब फाड़ फाड़ के बाहर निकले. मतलब जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या, मझधार क्या. अच्छा बिगान बहा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. प्लीज थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट. पोयम, पहले पोयम से मुझे याद आया. हाँ अरे आप रोना मत. हाँ आ जाए. सर ये पोएम मैंने आपके लिए लिखी है और इसका टॉपिक है समझ.
हार को जीत समझा, जिंदगी को गीत समझा। हार को जीत समझा, जिंदगी को गीत समझा। किताब के रट्टे से दूर सीख को तकदीर समझा। जिंदगी का नारा आसान है, हर मुश्किल तूफान है। अपना सर ढककर आपने लोगों को छत देना समझा। साया है आपका साथ हमारे एक माँ के जैसा। भटक ना जाए कोई एक भी बच्चा, इस सोच को आपने समझा। अब तन्हा नहीं कोई सफ़र में, सबने आपको अपना समझा। हार को जीत समझा, जिंदगी को गीत समझा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए, माइक दे। यहाँ पे आकर के, हाँ आ जाओ। सर के सेशन से मेरे अंदर ये चेंज आया कि जो लोग बोलते थे पहले मुझे ये कुछ नहीं कर सकता, अब मैं उनके सामने जाता हूँ तो वो ये चीज बोलते कि सब कुछ कर सकता है। और सर का मतलब मैं बताता हूँ, अच्छी ऑडियंस का एक सेकंड ना, अच्छी ऑडियंस का मतलब क्या है कि बंदा एक लाइन बोले तो इतना उसको चढ़ा दो कि अगली बार और ऊपर और मतलब हाँ। सर का सेशन से मेरे ऊपर ये असर पड़ा है कि सर का सेशन देखते देखते 1.5 साल हो गए हैं और अब मैंने मोटिवेट करना चालू कर दिया है। मैं हर पर संडे मैं मोटिवेट क्लास लेता हूँ। सेकंड चेंज ये लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा, मतलब एनर्जी का लेवल बढ़ाते जाओ। जैसे सेकंड चेंज ये है मेरे अंदर कि मैंने ठान लिया है कि मैं अगर अपने जीवन में कुछ भी काम करूंगा, हाँ, वहां से जो मेरी इनकम आएगी उसमें से 30% गरीब लोगों के लिए मैं दे दूंगा। उसमें से 30% गरीब लोगों के लिए, माय बाप। और याद रखना पक्का, और अगर कहीं पर शादी भी होगी तो मैं अपने एक पेज पर यह बात लिख के ले जाऊंगा कि अगर आपको ये परेशानी आए तो आप अपने घर जा सकते हो। और मैं ये कह दूंगा कि मैं अकेला रहने के लिए खुश हूं, पर मैंने जो कमिटमेंट लिए मैं उन्हें पूरा किए बिना जिंदगी से चला जाऊंगा तो मुझे ऊपर भी खुशी नहीं मिलेगी। वेरी नाइस, मुझे लगेगा कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा, मतलब मुझे लगेगा कि मैं कुछ अधूरा छोड़ा है धरती पे और दोबारा जन्म मिलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वो काम यहाँ पर पूरा करके ही जाऊंगा और मरने से पहले भी मैं गरीबों के बारे में कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी दान करके जाऊंगा। वेरी नाइस। अब कुछ ऐसा कर दो कि ये लोग खड़े होकर के तालियां बजाने पे मजबूर हो जाए, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन, कुछ ऐसा बोल जाओ कि सर के मोटिवेशन से मुझ पे ये फर्क पड़ा है कि मैं 4 मोटिवेशन क्लास ले चुका हूं। चार। और सेकंड चेंज, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक्टिव रहता हूं। एक्टिव पूरे दिन कॉलेज पढ़ाई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए करता हूं कि जल्दी से मुझे छोटी भी जॉब मिलेगी, मुझे गरीबों की हेल्प करनी चालू कर देनी है। एकदम बिकम स्टार्ट, एकदम अंडरस्टैंडिंग, बाकी जिंदगी में सब कुछ आसान। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, सी यू सून।